Uh, समझ पाए ये सेकंड लॉ की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? है ना देखो कोई भी चीज दिमाग में ना तभी फिट बैठती है जब हमें ये समझ में आए कि यार इसका रीजन क्या है क्यों जरूरत पड़ रही है सेकेंड लॉ की मतलब फर्स्ट लॉ से पूरी बात नहीं बन रही है क्या फर्स्ट लॉ क्या मतलब सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे क्या ठीक है तो इसीलिए हम आज की क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे आपका सेकेंड लॉ

during my graduation, also I qualified CSIR NET with AIR 35. I'm also gate qualified in chemical sciences. आप मेरे साथ YouTube पर तो मजे से जुड़े हुए हैं. अब बहुत जल्द अब आपका class 12 का chemistry start हो जाएगा, physical chemistry मेरे साथ यही YouTube पर तो यार YouTube पर तो मजा आ रहा है इसी तरीके से स्पेशल क्लास पर भी पक्का से मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए आप डाउनलोड नहीं किया है तो वहां पर ये सारे के सारे मेरे फ्री क्लासेस होते हैं फ्री सेशन होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आज शाम छह बजे से आपका केमिकल बॉन्डिंग शुरू हो रहा है स्पेशल क्लास में तो प्लीज उसको मिस नहीं करें ठीक है आप कैसे उसको कैसे अवेल करेंगे कुछ नहीं यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल लिंक दिया है बस उसको जाकर फॉलो करिए मेरा प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए अब बस फिर जितना मैं सेशंस लेती हूँ सब आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री बस कोड लगाना होगा ए के ए लाइव ठीक है इसी के साथ साथ आप मेरे साथ प्लस बैच में जुड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर विद दिस अमेजिंग अनकेडमी नीट टीम हम पूरी तरह से लग जाते हैं आपकी तैयारी के लिए और क्योंकि वी आर अप्रोचिंग आई मीन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द न्यू ईयर द न्यू ईयर आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम यू you नो know, अपना बेस्ट वापस से एक नया फ्रेश वाइब मिलता है फ्रेश एनर्जी मिलता है कि हम अपने बेस्ट की तरफ जाएं तो अभी भी आप जो है यहाँ पर देखो मेरी क्लासेस होती है अगर आप ऑलरेडी है तो तो सकते हैं मेरी प्लस क्लासेस चल रही हैं जिधर मैं अभी इस मंथ के लिए सोल्यूशन चैप्टर कल आपका फिनिश करा दूंगी इसी के साथ साथ अगर आप एनरोल कराने वाले हैं तो नेक्स्ट मंथ में आपको बता देती हूँ कि केमिकल कानीटिक्स और सर्फिस केमिस्ट्री का आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा टाइमिंग क्या रहने वाली है टाइमिंग्स विल बी 10 ए एम एज यूज ऑफ जनवरी से आपका ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है और इसी के साथ साथ प्लस और आइकॉनिक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं चाहते हैं आपकी एक सिस्टमैटिक वे में एक मजेदार तरीके से आपकी तैयारी की शुरुआत हो जाए तो यू कैन ज्वाइन एस ऑन प्लस एंड आइकॉनिक सोचा यार कितना मजा आता है स्पेशल क्लास और यूट्यूब पर ऐसे ही अगर हम पूरा साल के लिए जब तक भी आपकी एग्जाम्स है तब तक के लिए अगर हम जुट जाएंगे साथ साथ आपकी प्रेपरेशन तक तो क्या नेक्स्ट लेवल ऑफ तैयारी आपकी हो जाएगी तो प्लस और आइकॉनिक की हम बात करते हैं प्लस में आपको मिल जाता है अनलिमिटेड एक्सेस सभी के सभी एडुकेटर्स की सारी क्लास आप देख सकते हो बी देम रिकॉर्डेड या फिर लाइव इसी के साथ साथ सबके डीपीपी सबके हैंड रोटेड नोट सब कुछ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और डाउट क्लियरिंग सेशन होता है ऑडियो कॉल पर डाउट पूछ सकते हो यार और आपको ये सारे फीचर

Well many, many so, पहचान पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका एकट हो जाता है इनती हार्ड कॉपी फॉर्म एक यूज कर सकते हैं जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले होगा क्या कि जिस भी ड्यूरेशन को आप चूज करते हैं फॉर एक्साम्पल ट्वेल्व मंथ के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन का ये पी है आइकोनिक का इधर मेन्शन है ठीक है तो अगर आप आ, जो है सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं कोड लगाना नहीं भूलेंगे क्या होगा कि आपको उतना फी पे नहीं करना होगा जितना आप यहां पर मेंशन देख रहे हैं आपको ऑटोमेटिकली टेन परसेंट डिस्काउंट ग्रांट हो जाएगा इसी के साथ थोड़ा जोश दिखाओ यार मतलब कि ऐसे थोड़े मजे से टाटा गुड बाय तो करना चाहिए किसको थर्मो को भी और ट्वेंटी ट्वेंटी वन को भी एकदम मजेदार ईयर रहा है होप आपके लिए और एक्चुअली सारे ईयर्स जो है It is a mix of everything. तो आप याद अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं इज इंट इट हाँ परफेक्ट है तो फटाफट -पड़ शेयर कर दो सेशन का अपने फ्रेंड्स के साथ आर इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की बात जो कि सेकंड लॉ के बारे में है। हालांकि सेकंड लॉ का बर्थ किधर से हुआ ये आया किधर से आज 6 बजे की क्लास कंफर्म है हाँ जी आज छह बजे की क्लास कंफर्म है देखिए अब दिस मंथ हैज बीन सच आ राइट पर मी आई वेज इन टू सो मेनी थिंग्स और इसलिए यूट्यूब पर शायद आप लोगों को ऐसा फील हुआ हो कि यार मैम का सेशंस का टाइमिंग के साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है या फिर स्पेशल uh, क्लास में जैसे हम पूरा ऐसे लगे हुए थे उसमें थोड़ा सा आपको दिखाओ बट आई मिस टेल यू की आई हैव समथिंग सुपर 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 स्पेशल फॉर ऑल एफ यू फ्रॉम जनवरी तो फिर बस जनवरी का uh, मतलब दो ही दिन बाकी हैं ठीक है थीके? तो उसके लिए चिंता नहीं करना है आज से पक्का आपका जो है केमिकल बॉन्डिंग शुरू हो जाएगा छह बजे चलिए देखिए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ होमोडाइनमिक्स पढ़ लिया है अब फर्स्ट लॉ ऑफ होमोडाइनमिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो सी बहुत सारी गड़बड़े इधर सारी बात नहीं बता पाता फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि देखो हीट जो है एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है ठीक है

हॉट की तरफ नहीं होता है नेचुरली यानी कि नेचर क्या चाहता है कि आपकी जो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है ठीक है तो आपका क्या होता है हॉट टू कोल्ड होती है आपकी किसकी डायरेक्शन हीट की डायरेक्शन लेकिन फर्स्ट लॉ से पूछे जरा मतलब कितना मजा आता तुमने गैस पे पानी रखा बेचारा पानी तो जो है पानी ने तो आपकी गैस को ही ठंडा कर दिया ऐसा तो कभी होता नहीं है ठीक तो फर्स्ट लॉ है आपको सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है देखो अगर मैं से 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 पूछती कि यार क्या क्या? क्या मेरा हीट जो है 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 वो जा 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 सकती 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 तो हमें पता ही है जा सकती है। First क्या कहेगा हाँ, ये भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है बस इतना चेक कर लो कि एनर्जी कंजर्व है तो आप कहोगे हाँ एनर्जी तो कंजर्व है यहाँ से एनर्जी आई इसके पास चली गई पूरे सिस्टम की एनर्जी तो कंजर्व है तो फर्स्ट लॉ तो सीधा सीधा आपको कहते है, हाँ तो ठीक है एनर्जी कंजर्व है ना तो फिर ठीक है इसको करा दो लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं होता है इसका मतलब फर्स्ट लॉ डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो प्रोडक्ट नहीं कर पाता है ठीक है वो उसका प्रोडिक्शन नहीं दे पाता है दूसरी बात अभी देखो इसी तरीके से एनर्जी का जो फ्लो होता है फॉर एग्जांपल जब आप वॉटरफॉल देखते हो तो यार जो झरना होता है या जो वॉटरफॉल आपका होता है वो एक हाइट से होता है, है ना एक बहुत ऊंची हाइट से आपका पानी ऐसे नीचे गिर रहा होता है होता है कि नहीं है ना अब ये तो ठीक है अब फर्स्ट लॉ से पूछा बताओ ऊपर से पानी नीचे गिर जाएगा वैसे सबने देखा है ऊपर से पानी नीचे ही गिरता है तो फर्स्ट लॉ कहेगा देखो एनर्जी कंजर्वेशन देख लो हो रहा है तो ठीक है तो हम देखते हैं फिर एनर्जी कंजर्वेशन हाँ ठीक है एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी कॉनेटिक में कन्वर्ट हो रही है कोई बात नहीं हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है ना तो पोटेंशियल एनर्जी मोशन ला रही है इसके अंदर तो पोटेंशियल पोटेंशियलिक में कन्वर्ट हो रही है कोई दिक्कत नहीं प्रोसेस हो जाएगा फिर हम पूछते हैं अच्छा फिर ये बताओ कि ये पानी यहां से मतलब सोचे जरा रिवर्स से उठ के वापस ऐसे चलने लगे पानी के डायरेक्शन रिवर्स हो जाए ऐसा होता है बोलो यार पानी कभी ऊपर नीचे से ऊपर जाता है जस्ट इमेजिन ऐसा होता तो ही आ जाता है। पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन फर्स्ट लॉ से पूछे तो वो क्या कहेगा एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है हम कहेंगे यार हो रहा है उसमें आपकी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है है ना तो यहां पे भी एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है तो फर्स्ट लॉ कहेगा ठीक है फिर इसको भी करा दो ये भी हो जाएगा पर हम तो जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है है ना इसका मतलब आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ हमोडिक्स है वो डायरेक्शन ऑफ ऑफ एनर्जी को भी प्रोडिक्ट कर पाता ना जी ना जी ये भी नहीं पता चलता इधर से दूसरी बात हम क्या, uh, क्या पूरी के पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या देखो फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया शुगर लिया और वॉटर में आप डिजोल्व कर रहे हो शुगर वॉटर में डिजोल्व क्या हो गया यार अब जस्ट इमेजिन यहाँ पर पल्लवी है और पल्लवी के साथ कौन है अनीश है अनीश और पल्लवी अब पल्लवी के पास शुगर हो गई फिनिश ठीक है पल्लवी के पास शुगर फिनिश हो गई उसका बड़ा ही है कि मेरे को ऐसे चीनी और पानी मिला के पीना है नींबू पानी बनाना है उसके लिए चीनी की जरूरत है तो उसने जो है अनीश से ले लिया अब अनीश को थोड़ी देर बाद लगा कि यार मेरे को तो मेरी वापस सही है लड़ाई हो गई उनकी और मेरे को वापस दो मेरी चीनी वापस दो तो अभी क्या कह, कहेगी कि यार अब अब तो मैंने उसको कर दिया वापस नहीं मिल सकती ठीक है उसको मैं ऑलरेडी डिजोल्व कर चुकी हूँ लेकिन अनिश कहेगा नहीं कोई नहीं मेरे को तो चाहिए ही चाहिए ठीक है तो आप बताइए तो पल्लवी क्या कहेगी ठीक है यार बाहर जाती हूँ लाके दे देती हूँ तो मैं मार्केट से लाकर देती हूँ अनिश कहेगा नहीं मेरे को मेरे वाली वही चाहिए जो तुमने डिजोल्व कर दिया फिर क्या ये पॉसिबल है क्या कि आप लोगों ने एक बार जब इसको इसके अंदर शुगर को इसके अंदर मिला दिया है तो आप सेम की सेम शुगर वापस दे दो आप देखो आप क्या कहोगे कि नहीं पॉसिबल तो नहीं है मतलब खुद से नहीं होगा तो नहीं पड़ा को से चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा एक प्रोसेस लगाना पड़ेगा क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा तब शायद कहीं जाकर आपको शुगर क्रिस्टल वापिस मिल जाए तो यार ये तो इतने मजे में तो नहीं होने वाला आसानी से नहीं होगा है ना तो आप क्या कहते हैं कि आपके पास इधर Uh, जो वर्क है आपने पहले तो इतना इसको किया तो जितना भी आपका वर्क था वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया लेकिन जरूरी नहीं है कि आप एक सिस्टम को जितनी हीट दे रहे हैं हीट देने से वो जरूरी नहीं है कि काम करने लगे जैसे कार होती है है ना कार होती है यार कार के नीचे तुम फायर लगा दो क्या होगा चलने लगेगी क्या मतलब आप हीट दे रहे हो तो हीट शुड भी जितनी उस सिस्टम के पास हीट जा रही है वो आपकी हंड्रेड परसेंट वर्क में कन्वर्ट तो 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 मतलब हो ही नहीं सकती है ठीक है इसीलिए हंड्रेड परसेंट आपका एफिशिएंसी का कोई इंजन नहीं बना है यानी कि ऐसा कोई इंजन हो ही नहीं सकता है जो हंड्रेड परसेंट आपका हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे यानी कि जितनी एनर्जी आपने सिस्टम को दी है एक्सैक्टली उतनी एनर्जी का आपको आउटपुट मिल जाए ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है इसी के लिए आप फिजिक्स में शायद नॉट इंजन पढ़ेंगे या कार नॉट साइकिल भी हम पढ़ाते हैं आपको वहां पर ठीक है तो वो आपको एक आइडियल केस के बारे में पढ़ाया जाता है वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है कभी भी 100 परसेंट एफिशियंसी आप लोगों को नहीं मिल सकती है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हमारे तो एक ही लिमिटेशन आ गई फर्स्ट लॉ ऑफ होमोडाइनमिक्स की इसका मतलब को के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है इसका मतलब क्या है कि यार कोई प्रोसेस खुद खुद हो जाएगा या नहीं होगा आप जैसे फर्स्ट लॉ से पूछो कि पानी ऊपर से नीचे गिर जाएगा क्या वो कहता है फर्स्ट लॉ से से पूछो नीचे ऊपर चला जाएगा वो कहता है हा? एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है तो फर्स्ट लॉ तो यहाँ जहां एनर्जी कंजर्वेशन उसको देता है सब कोई क्या बना देता है स्पॉन्टेनियस बना देता है पर जब हम एक्चुअली ऑब्जर्व करते हैं हमारा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि हर वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है वो जरूरी नहीं है कि आपका स्पॉन्टेनियस ही हो है ना वो नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद हो जाए थोड़ा बहुत अगर उसको इनिशिएट किया जाए प्रॉपर कंडीशन दी जाए तो वो खुद हो जाए प्रोसेस ऐसे प्रोसेस, प्रोसेस कम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है, उसको हमने थोड़ी सी कंडीशन भी दे दी सब कुछ कर दिया पर वो खुद फिर भी नहीं हो रहा है यानी कि आपको बाहर से कुछ एक्सटर्नल कंटिन्यूस फैक्टर वहां पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा शायद तब वो प्रोसेस हो जाए

फ्लो ऑफ वाटर या हीट आपकी ट्रांसफर हॉट से कोल्ड बॉडी में ही होगा ये भी हम सबको पता है तो इतनी बात सब लोगों को पता होनी चाहिए कि वो प्रोसेस जो नेचुरली हो जाए इसी के साथ साथ या फिर देखो या तो अपने आप खुद ब खुद बिल्कुल शुरू ही हो जाए या फिर आप छोटा थोड़ा बहुत जो है इनिशिएट कर दो इसको थोड़ा बहुत इनिशिएट करने का मतलब अब भी आप दो सेकंड रुकिएगा विद द नेक्स्ट स्लाइड आपको तो ये पूरी बात क्लियर होगी तो कि थोड़ा सा इनिशिएट करने का मतलब क्या होता है देखो फॉर एग्जांपल मेरे को आइस मेल्ट कराना है अब आइस मेल्ट कराना है और तुम रखकर आ गए उसको फ्रीजर में बोलो यार आइस मेल्ट कराना था तो मैं और उसको तुम फ्रीजर में रखकर कर आए हो फिर आइस मेल्ट करेगा क्या फ्रीजर में करता है आइस मेल्ट अच्छा आपसे पूछा आइस मेल्ट हो जाता है क्या कोई भी कहेगा दुनिया में बच्चा यही कहेगा हां आइस मेल्ट तो हो जाता है तो मतलब प्रोसेस कैसा होना चाहिए स्पोंटेनियस होना चाहिए पर आइस मेल्ट क्या मतलब कि फ्रीजर में रखकर भी हो जाएगा क्या नहीं होगा अगर अंडर अ गिवन सेट ऑफ होगा तो के लिए बहुत बार आप ऐसा सोचते हैं कि आप जो खुद ब खुद हो जाए अरे खुद ब खुद तो हो जाए लेकिन अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन आप स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया भी अंडर सेट ऑफ कंडीशन ही सेट करते हो ठीक है तो आपके पास क्या होता है कि इट हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो हुआ एक सेकेंड रुको यार फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपका रूटीन है आपका रूटीन क्या है मेरे को जो है सुबह सुबह उठना है और स्कूल जाना है और फिर पढ़ाई करनी है एकदम जोरदार तो इसमें एक तो है कौन एक तो बच्चा बिल्कुल मतलब कि रात को एकदम टाइम से सोए सुबह खुद उठ गए कोई अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है आंखें खुद खुल जाती हैं और फिर स्कूल भी एकदम टाइम पे गए खाना खाया बिल्कुल सब एकदम बढ़िया टाइम पे डिसिप्लिन में चल रहा है और स्कूल गया किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा सब बाय सेल्फ हो रहा है मतलब क्या हुआ कि वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ है जहां से किसी एक्सटर्नल फैक्टर का कोई कुछ नहीं है उसके बाद एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का तरीका क्या होता है

ये तो मतलब ये दोनों भी स्पॉन्टिन्यूस हुए और अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस देखो कैसे कि मतलब एक बच्चा उसका पढ़ने का तो बहुत दिल है मैं उठ भी टाइम पर जाऊंगा और मैं बस लगा रहूंगा पढ़ाई में किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मैं लगा ही रहूंगा लेकिन आप देखो उस अब आपका जो है मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही है केवल ऑफलाइन क्लासेस चल ही नहीं रही अब उसके पास लैपटॉप ही नहीं है अब उस वो नई न्यू क्लास में एंट्री हुआ है उसका उसको कुछ आता नहीं है टीचर वो टीचर से ऑफलाइन क्लास में मिलता था ऑनलाइन क्लास में एडमिशन उसने मतलब उसके पास लैपटॉप ही नहीं है रिसोर्सेज ही नहीं है तो भाई उसका कितना भी मन करे है ना उसका कितना भी मन करे उसका मन करता है मैं रात दिन पढ़ता ही रहूंगा सुबह वो टाइम पर उठ भी जाता है डिसिप्लिन की कोई कमी नहीं है पर जब उसके पास लैपटॉप ही नहीं है जिधर क्लास है जिधर पढ़ाई होगा तो बेचारा पढ़ाई कैसे करेगा इसका मतलब प्रोसेस तो स्पॉन्टीन्यूस है लेकिन अंडर गिवन कंडीशन कि उसके पास लैपटॉप तो होना चाहिए है, है लेकिन 25 पर मेल्ट हो जाएगा अब तुम फ्रीजर के अंदर माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस पर अगर रखकर आओगे बेचारे का कुछ नहीं होगा क्या वो तो अपना उसमें फ्रीज फॉर्म में रहेगा आइस फॉर्म में ही रहेगा है, रहे है, रहे है, है ना तो कुछ कुछ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तो होते हैं लेकिन अगर एक प्रोसेस खुद ब खुद हो जा रहा है अगर आपको बाहर से एक थोड़ा सा प्रॉपर इनिशियशन आपने दिया फिर खुद हो जा रहा है और अगर आपने राइट सेट ऑफ कंडीशन प्रोवाइड किया है और फिर वो प्रोसेस खुद हो जा रहा है तो वह प्रोसेस स्पॉन्टिन्यूस है ठीक है <laughs> जैसे कि इनमें कोई इनिशिएशन की जरूरत नहीं है देखो यार आ, आपका जो वाटरफॉल होता है ऊपर से नीचे अपने आप को जाता है ये एक है। एक प्रोसेस है वाटर का हाई लेवल से या एक हाइट से लोअर हाइट की तरफ फॉल करना एक नेचुरल प्रोसेस है उसमें आपको इनफैक्ट in इनिशिएशन भी नहीं करना पड़ रहा है ठीक है तो कुछ प्रोसेस यहां पर ये वाली स्लाइड में आप जो देख रहे हैं ये स्पॉन्टेनियस का कौन सा टाइप है स्पॉन्टेनियस का वो वाला टाइप जिधर आपको कुछ इनिशिएशन नहीं देना पड़ता यानी कि आपको अपने प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करना है तो ये ऐसे हो रहा है उसके बाद हॉट टू कोल्ड है ना मतलब कि हीट का ट्रांसफर होना फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ये एक आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है अभी आप पीछे ही देखकर आए हो इसी तरीके से चार्ज का फ्लो करना हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल कभी भी अगर आप बाहर से बैटरी लगा दो तब तो अलग बात है लेकिन आपका जो चार्ज है वो हमेशा किधर से फ्लो करता है फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल इसी तरीके से आपका जो गैसेस है वो हाई प्रेशर देखो इधर साइड अगर प्रेशर हाई है तो आपकी गैसेस हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही फॉल करेगा कहने का मतलब ये है कि ये सारे एग्जाम्पल टाइप फॉर्म करते हैं जिधर कोई इनिशिएशन देने का जरूरत नहीं है खुद ब खुद बढ़िया अपना चलता रहेगा अच्छा उसके बाद यहां पर क्या है खुद तो हो जाएंगे

तो ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है खुद ब खुद ब खुद हो जाता है पानी में आप नमक डालते हो खुद डिजॉल्व हो जाता है कि नहीं हो जाता राइट right है तो ये भी अपने आप हो जाएगा उसके बाद कुछ ऐसे प्रोसेस भी होते हैं जिनको एक प्रॉपर इनिशिएशन की जरूरत है मतलब आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी यार फिर अपने आप हो जाएगा जैसे आपको कार्बन को या जैसे कोल होता है ना उसको बर्न करना है उसका कंबस्टन कराना है

जल्दी से मेरे को बताएंगे चैट सेक्शन में आई नीड टू सी सम थम्स अप यार है ना? बताओ इतनी बात सबको क्लियर है या आपको अभी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई उलझन है कोई डाउट है बता दो यार जल्दी से बताओ इतनी बात क्लियर है मजा आया है ना फील हुआ कुछ कुछ फील तो हो गया मैम सभी हो गया कुछ कुछ क्या देखो अब आता है आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्पोन्टेनियस का बिल्कुल ओपोजिट है मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो आपका व्हिच डज नॉट हैव द टेंडेंसी टू अकर ऑन इट्स ओन या आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जब आपने जिसको इनिशिएट भी करा दिया या फिर मतलब खुद तो हो ही नहीं रहा ऊपर से आप उसको इनिशिएट करा दे रहे हो वो फिर भी नहीं हो रहा है ठीक है तो यहां पर नॉट लिख लो व्हिच डज नॉट व्हिच डज नॉट ऐसा प्रोसेस जो खुद नहीं हो रहा ना ही प्रौप, आफ्टर हो रहा है एक ऐसा प्रोसेस मान लो कि वो तब होगा जब आप कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करते रहो करते रहे करते रहे तब हो सकता है फॉर एग्जाम्पल पानी का एक जैसे आपने देखा मतलब हायर ऑल्टीट्यूड से लोअर ऑल्टीट्यूड की तरफ फॉल करना नेचुरल प्रोसेस है स्पॉन्टेन्य प्रोसेस है अब मैं चाहती हूँ यार मेरा पानी जो है ना नीचे से ऊपर जाए तो ये पॉसिबल है हाँ, पॉसिबल तो करा सकते हो आप मोटर लगा दो इधर मोटर लगा दो और फिर पानी को नीचे से आप ऊपर भेजिए फिर पॉसिबल है है ना ऐसे ही तो करते हैं हम जो मोटर्स होती हैं क्या होती हैं कि हमारे ऊपर तक चलकर आता है पानी वो डायरेक्शन कौन गवर्न करना है पानी तो नीचे ही फ्लो करना है चाहता है पानी नीचे ही फ्लो करेगा ऊपर से नीचे ही जाएगा पानी हमेशा लेकिन अगर ऊपर आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है मोटर के हेल्प से आ रहा है तो बाहर से आपको वो कंटिन्यूअसली मोटर आपको चलता रहना देना पड़ेगा मतलब कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी आपको चाहिए तो ये प्रोसेस आपका

खुद हो पाएगा ठीक है मतलब पता है ये कौन से बच्चे हैं जिनका पढ़ने का मतलब ऐसा सीन है कि सुबह उठे नहीं उठ पाए तो फिर उनको जो है उठाना पड़ रहा है कि उठ जा उठ जाओ उसके बाद चलो उठ गए उसके बाद अब पढ़ने बैठिए पढ़ने बैठे मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा फिर उनको फिर से बोलना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना है ये है वो है अभी पढ़ना बहुत ज़रूरी है नीट एग्जाम पास है पूरा उनको रामायण गा दो फिर चलो थोड़ा मोटिवेशन आया पढ़ रहे हैं फिर उसके बाद अब टेस्ट दो नहीं मेरे को टेस्ट नहीं मतलब पूरे प्रोसेस के दौरान दिन भर बस उनके पीछे लगे ही रहो उनको आप समझाते ही रहिए बताते ही रहिए ये वाला सीन होगा उनका ठीक है तो मतलब आपको थ्रू आउट द प्रोसेस पूरे उनके रूटीन में आपको पता नहीं पड़ रहा है यानी कि ड्यूरिंग द होल प्रोसेस आप उस चीज को इनिशिएट करते जा रहे हैं तो देर इज दिस कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ नॉन स्पॉन्टीन्यूस प्रोसेस तो यहां पर अब हमारे पास ये बात आ जाती है कि यार आपका जो है क्या बोलते हैं ट इज दी क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया क्या है क्या कह सकते हैं हम कि एक प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस स्पोन्टेसिडर करें उसके लिए क्या क्राइटेरिया हो सकता है बताओ मैंने आपको बता दिया कि इंथेलपी का क्या सीन है है ना अब आप लोग को क्या लगता है वट कैन बी मेरा क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी सेकेंड लॉ यहीं से देखो सेकेंड लॉ ही आपको ये आइडिया देता है कि आपका कोई प्रोसेस पॉन्टिन्यूस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा दिस आइडिया विल गेट फ्रॉम योर सेकेंड लॉ ठीक है आप loss, वो आपको पता है है कैसे बताता है? आपने आपने पक्का ये देखा तो हो गई अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो आपने सुना होगा डेल्टा एच के बारे में वो कहता है कि डेल्टा एच अलोंग विद एंट्रोपी ये दोनों मिलकर ये एक एनर्जी फैक्टर होता है इसको हम क्या बोलते हैं ये मेरा एनर्जी फैक्टर होता है ये मेरा एंट्रोपी फैक्टर होता है और ये दोनों मिलकर एक और फैक्टर देते हैं विच इज डेल्टा जी जिसको आप गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हो ये आपका रिजल्टेंट फैक्टर है जो आपको स्पॉन्टीन का क्राइटेरिया समझाता है कि कोई प्रोसेस प्रोसेसन्य होगा या नहीं होगा वो डेल्टा जी आपको बताता है ठीक है तो देखो हमें ऐसा पता चला कि अगर आपका एक प्रोसेस को स्पॉन्टीन्यूस होना है तो अगर प्रोसेस आपका मिनिमम एनर्जी की तरफ जा रहा है मिनिमम एनर्जी की मतलब मिनिमम एनर्जी मतलब अगर वो मोर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है देखो अगर यार तुम्हारे में बहुत एनर्जी है तो तुम एक जगह चिपक कर बैठोगे नहीं यू वुड टू डू समथिंग आप एक्टिव रहोगे जैसे छोट छोटे छोटे बच्चे होते हैं कैसा होता है उन्होंने अपना खाना बनाया जो भी है खाया और उसके बाद बस पूरा मतलब ऐसे और तो बेचार बच्चे के पास कुछ होता नहीं है अभी वो इतने छोटे हैं कि स्कूल में नहीं जाते हैं कोई काम नहीं है उनके पास तो पूरा घर में चक्कर काटते रहते हैं और कुछ का कुछ है ना क्यों क्योंकि बहुत ज्यादा हाई एनर्जी स्टेट में फिर इतना सब कुछ कर कर फिर वो क्या होता है धीरे 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 एनर्जी रिड्यूस होता है तो वो नॉर्मल की तरफ आने लगते हैं और मे बी दे स्लीप डाउन तो वो क्या हो रहा है हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ आते आते ही स्टेबिलिटी मिल रहा है कोई भी चीज हाई एनर्जी के साथ स्टेबल नहीं हो सकती है ठीक है हाई एनर्जी के साथ आप रुके नहीं रह सकते हो आप स्टेबल नहीं कहे जाएंगे ठीक है तीके? तीके? तो अगर एक सिस्टम आपका स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो वैसा प्रोसेस पॉन्टीन्यूस होगा ठीक है यार हर कोई इंसान स्टेबिलिटी तो चाहता है कि आप स्पेंट अगर आप स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे तो आपका वो प्रोसेस कैसा प्रोसेस कहलाएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगा ठीक है और अगर स्टेबिलिटी की तरफ जाना है तो इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी कम होनी चाहिए सिस्टम की एनर्जी ड्रॉप करनी चाहिए मिनिमम एनर्जी की बात होनी चाहिए जैसे हमने यहां पर की मिनिमम एनर्जी ठीक देन नेचर हमेशा रैंडमनेस को पसंद करता है सोचो यार नेचर को क्या चाहिए कि सब कुछ डिसऑर्डर में हो उसको वेल well ऑर्गेनाइज और ये सब नहीं पसंद है है नेचर नेचर क्या चाहता चीजों को रैंडमनेस की तरफ भेजना चाहता है रैंडमनेस रैंडमनेस ये randomness वाला क्राइटेरिया अभी दो मिनट बाद देखते हैं उससे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे दी टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम एनर्जी अब इसका क्या मतलब है यार टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या है कि देखो हमारे पास एक रिएक्शन हुई किस तरह कुछ इस तरीके से आपका ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हुआ है आर कन्वर्ट और देखो अब मेरे को क्या करना है डांस से सुनना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हुआ और साथ ही साथ पता चल रहा है कि आपकी कुछ ना कुछ हीट रिलीज हुई क्यों क्योंकि आप लेस एनर्जी की तरफ जा रहे हो मैं आपसे क्या कह रही हूं कि अगर मान लो यहां पर ईआर e आपकी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है और ईपी e आपकी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है तो आप

एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एनर्जी बैलेंस करने के लिए क्योंकि अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ गए और प्रोडक्ट की एनर्जी आपकी ड्रॉप की है तो यार एनर्जी तो तो कम हुई तो आपको पूरा इधर साइड एनर्जी को बैलेंस तो करना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो करानी पड़ेगा तो उस कंजर्वेशन के लिए आपको ये वाला टर्म दिख रहा है बोलो यार इतनी बात सबको समझ में आई है क्या इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यहां पर यह है कि अगर आप इंथेल्पी के टर्म्स में बात करते हो अभी ये सारी बात हमने किसके टर्म्स में की एनर्जी और आपका एनर्जी फैक्टर हमें यहां पर कौन सा कंसिडर करना है आपका एच इंथाल्पी तो इसका मतलब यार ये है कि मेरा जो इंथेल्पी ऑफ प्रोडक्ट है दैट इज लेस देन माय इंथेल्पी ऑफ रिएक्टेंट

तब आपका एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट आएगा दैट मींस इधर मेरा पास एक नेगेटिव साइन आ जाएगा इसका मतलब क्या है कि ऐसे केस में आपकी जो एंथैल्पी है यहां पर आपका ये नेगेटिव आने वाला है ये एंथैल्पी आपकी कैसे आने वाली है नेगेटिव आने वाली है अब आप समझे जब हम कहते हैं कि एक प्रोसेस एक्सोथर्मिक है है ना ध्यान आया आपको हम यही तो कहते हैं कि यार अगर एक मेरा प्रोसेस है जो एक्सोथर्मिक है जैसे यहाँ आपकी हीट क्या हो रही है रिलीज हो रही है हम कहते हैं जब भी आपकी हीट रिलीज होगी ऐसे प्रोसेस को आप एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या होता है कि एंथल्पी जो है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव बोलो यार यही तो देखकर आए हैं कि आपका ऐसे प्रोसेस के लिए एंथलपी नेगेटिव होती है तो यहां पर ये समझ में आया इस तरीके से आपकी इंथालपी नेगेटिव होगी जल्दी से बताओ इतनी बात समझ में आई है क्या तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंथेल्पी नेगेटिव है अच्छा तो सही है यार इसका मतलब मेरे को बस मिल गया साइंटिस्ट लोग बढ़िया बिल्कुल खुश क्यों खुश हो गए खुश इसलिए बस हो गया हमारा काम हो गया अब दुनिया को हम बताएंगे कि एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होता है जब उसकी एंथैल्पी नेगेटिव हो यानी कि अगर आपकी इंथेल्पी नेगेटिव है तो उस प्रोसेस को आप स्पॉन्टेनियस कहिए तो सब बहुत खुश तो सबने सोचा यार चलो लोगों को बताने से पहले एक बार थोड़ा सा चेक करके देख लेते तो कर तो नेगेटिव डेल्टा एच आना मतलब कि आपका प्रोसेस कैसा है स्पॉन्टेनियस है दिस इज द कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी तो फिर वो यहां पर आए उन्होंने रिएक्शन लगाकर देखी उन्होंने ये कॉल बार्डिंग कराया

पार्टी वाला सीन की बस यार अब तो हम दुनिया का बताएंगे कि देखो इंथेलपी जो है ना क्या जब नेगेटिव होगी तो उस प्रोसेस को आप स्पॉन्टेनियस कह दीजिए ठीक है फिर उसके बाद फिर उसके बाद उन्हीं में से एक आती है मैडम रूबी है ना गर्ल्स में होता है इतना दिमाग राइट तो वो आती है और कहती है क्या कि यार रुको अभी पहले मेरी एक बात को एक्सप्लेन करो है ना इससे पहले कि तुम पार्टी वार्टी करो पहले मेरी बात को एक्सप्लेन कर दो जरा तो मैडम रूबी क्या कहती है वो कहती है कि देखो यार जब हम आइस को मेल्ट करते हैं ठीक जब मैं आइस को मेल्ट करती हूँ आइस से हम लोग क्या बनाते हैं वॉटर बनाते हैं इसका मतलब आप एच टू ओ सॉलिड से एच टू ओ लिक्विड की तरफ जाते हो कि नहीं जाते हो उन्होंने कहा जाते हैं

उसको लिक्विड में लेकर जाना है तो तुम एनर्जी दोगे इधर। बोला तो यार एनर्जी, ना हो यहां पर इस आपकी एनर्जी हो तो अगर ऐसा होगा तो यहां पर आपके पास डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव प्लस क्यों निकल कर आएगा मतलब ये तो पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन वाला क्राइटेरिया फॉलो करेगा किसका एंडोथर्मिक वाला तो ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया कि आपका जो है रिएक्शन कैसा होना चाहिए स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस है भाई उन, उनसे पूछा उन्होंने कहा हाँ इस टू वाटर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है लेकिन ये तो एंडोथर्मिक हो गया इसके लिए डेल्टा एक्स तो नेगेटिव नहीं है है ना तो इसका मतलब अभी तो गड़बड़ है या फिर जैसे यार तुम लोग धूप में ऐसे क्या बोलते हैं हम अपने क्लोथ्स ड्राई करते हैं कपड़े सुखाते हो कि नहीं तो उसमें क्या होता है वाटर आपका लिक्विड से वेपराइज हो जाता है वेपर वेपर फॉर्म में चला जाता है तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है इस वाले केस में मैं बता रही हूँ एच टू आपका लिक्विड से वेपर फॉर्म में चला जाता है तो इसमें अब बताओ यहां पे एनर्जी रिलीज थोड़ी ना होगी यार यहां तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सन से एनर्जी लेगा और उसके चक्कर में ड्राई हो जाएगा वेपर फॉर्म में आपके वाटर चले जाएंगे तो यहां पर भी आपकी इंथेल्पी प्लस क्यूँ आनी चाहिए यानी कि आपका प्रोसेस वापिस से यार एंडोथर्मिक होना चाहिए कि नहीं बिल्कुल होना चाहिए है ना तो फिर ये तो यार उनका तो बेचारी पार्टी मैडम रूबी ने ऐसी कहानी बता दी यार मैडम रूबी ने ऐसी कहानी बता दी कि ओए होए उनका तो पार्टी का सीन था पर अब तो पार्टी तो नहीं हो सकती चलो ठीक है थोड़ा और काम कर लेते हैं उसके बाद फिर हम पार्टी करते हैं तो यहाँ से एक बात तो समझ आ गई कि यार खाली एंथैल्पी के बेसिस पर खाली डेल्टा एच के बेसिस पर हम ये तो नहीं कह सकते कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा और भी कुछ समझना पड़ेगा तो यहां से हमको समझ में आता है कि डेल्टा एच नेगेटिव इज नॉट अल्टीमेट क्राइटेरिया है, होता है. मैंने क्या कहा कि नेचर को ना ऑर्गेनाइज चीजें पसंद नहीं है नेचुरली कोई चीज अगर होगी तो डिसऑर्डर्ड वे में होगी फॉर एग्जाम्पल आप जो है स्कूल में जाते हो और स्कूल में अगर आपकी टीचर सामने है है ना टीचर सामने है प्रिंसिपल सर, राउंड पर आ रहे हैं तुम लोग कैसे होते है ना? में। जस्ट हो कोई इस में कोई इस कॉर्नर में अब फुल मजे में क्लास में हो तुम कोई किसी को, को के साथ लंच कर रहा है कोई किसी के साथ किसी का कुछ और ही चल रहा है मूवीज डिस्कस हो रही है, है ना? तो ऐसा होता है लेकिन जैसे ही आपको पता चल रहा है यार प्रिंसिपल सर राउंड पर आ रहे हैं तुम लोग एकदम से बढ़िया से अपनी सीट पर जाकर चिपक जाते हो और बिल्कुल एकदम मतलब इनसे सीधे और इनसे मतलब समझदार डिसिप्लिन बच्चे दुनिया में ही नहीं है बिल्कुल ऐसा सीन होता है उस टाइम क्लास का यानी कि आप हाईली ऑर्डर्ड स्टेट में चले जाते हैं ठीक है पर आप हाईली ऑर्डर्ड कब गए जब कोई बाहर का फैक्टर आ रहा है या टीचर आपके क्लास में है या प्रिंसिपल सर का राउंड है नहीं तो तुम क्या चाहते हो कौन आप क्या चाहते हो ऐसे बैटमैन नहीं आप क्या चाहते हैं फुल हम मजे बैठे और एकदम मतलब अनऑर्गेनाइज वे में तो नेचुरली अगर आप किसी को फ्री छोड़ दोगे तो वो कभी भी ऑर्गेनाइज वे में नहीं रहेगा कैसा डिसऑर्डर की तरफ ही जाएगा और नेचर आपका डिसऑर्डरनेस ही प्रेफर करता है ठीक तो यानी कि अगर कोई ऐसा सिस्टम है कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है जहां आप डिसऑर्डरनेस की तरफ जा रहे हो रैंडमनेस की तरफ जा रहे हो तो वहां पर आपकी जो एंट्रोपी है वो क्या होती है इंक्रीज होती है या आप ऐसे बोल सकते हो कि वो वाला प्रोसेस एक तरीके से स्पॉन्टेनियस होता है मतलब नेचर आपका उन प्रोसेसिस को फॉलो करता है जो आपकी रैंडमनेस की तरफ जा रहे हैं ठीक है थीके? सही है वो आपका नेचर क्या करता है रैंडमनेस को प्रेफर करता है फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये दो गैसेज है है ना यहाँ पर ये ग्रीन कलर का गैस है यहाँ ये पिंक कलर का गैस है अब ऑब्वियस बात है इनके इनके अंदर मॉलिक्यूल्स भी हैं ये देखो पर ये वाली गैस के मॉलिक्यूल है इस वाली गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर ये दूसरी जो आपकी पिंकी है ये वाले गैस के मॉलिक्यूल्स है ओके अब यहाँ पर आपने इन दोनों के बीच में क्या लगा रखा है ये कॉर्क लगा रखा है क्या किया हुआ है यार यहाँ पर इन दोनों के बीच में आपने ये कॉर्क लगा रखा है मतलब क्या है आपने दोनों को बीच में मिलने से रोक दिया इसका मतलब ये गैस अपने में रहेगी अपने चैम्बर में रहेगी अपने कंटेनर में रहेगी ये गैस अपने कंटेनर में रहेगी लेकिन जैसे क्यों क्योंकि तुमने बीच में स्टॉपर लगा रखा है यार अब तुम इस स्टॉपर को हटा दो अब आप इस स्टॉपर को जो है हटा दीजिए यहां से तुम ये कॉर्क हटा दो फिर क्या होगा फिर क्या होगा ये वाले गैस मॉलिक्यूल इधर जाएंगे और ये वाले गैस मॉलिक्यूल उधर जाएंगे इसका मतलब ए से बी की तरफ बी से ए की तरफ आपके गैस मॉलिक्यूल्स जा रहे होंगे तो यहां पर आपके पास इस तरीके से ये वाले मॉलिक्यूल्स आ चुके होंगे और दूसरे नाम में आपके ये ग्रीन वाले जा चुके होंगे मतलब देखो जब तक आपने इनको कंट्रोल कर कर रखा है बांध कर रखा है तब तक ये ऑर्डर्ड है जब तक ये बीच में कॉर्क लगा है तब तक ऑर्डर्ड है चैंबर ये वाला जो फर्स्ट वाला है उसमें सिर्फ ए गैस है और दूसरे आपके चैंबर में सिर्फ बी गैस है लेकिन जहां आपने इनको छूट दे दिया जहां तुमने कॉर्क बार निकाला तो गैसेस क्या रुकी रहेगी नहीं, नहीं। इधर से इधर इधर से इधर जाएंगी यहां से इसके थ्रू आपका ये जो कनेक्टर है कनेक्टर के थ्रू गैस मॉलिक्यूल्स विल गेट इंटरचेंज इज इट तो यहां पर भी आपका सिस्टम क्या प्रेफर कर रहा है रैंडमनेस प्रेफर कर रहा है पहले ऑर्गेनाइज थे ये ऑर्गेनाइज्ड थे कि नहीं थे लेकिन जैसे ही आपने एक एक्सटर्नल कंट्रोल को हटाया है तो वापस से ये आपके डिसऑर्डरनेस की तरफ गए तो यहां से भी हमारा ये प्रूव होता है कि आपके जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो डिसऑर्डर uh, की तरफ जाना चाहते हैं बोला यार इतनी बात क्लियर है क्या ठीक है ओके okay. तो फिर हमने इसको समझने की कोशिश की कि हमें लगा कि ओके okay, इसका मतलब मैं ऐसे कह देती हूं कि यार देखो अगर मेरा कोई सिस्टम है

Final minus initial, ये क्या आ क्यों क्योंकि आपकी entropy final वाली ज़्यादा है final stage में ज़्यादा ज़्यादा है Disorderness है ना तो क्या इसको क्राइटेरिया मान लेके का कि अगर आपके सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो रही है है ना तो मतलब प्रोसेस स्पॉन्टीन्यूस है ऐसा सोच सकते हैं आप बोला यार जैसे तो अभी हमने के केस में नेगेटिव को क्राइटेरिया समझा था ऐसे इसको भी एक बार समझ कर देखते हैं पर फिर से वापस से पार्टी को कैंसिल करवाने के लिए मैडम मैडम क्यूरी क्यूरी आ आ गई गई क्यों क्यों पार्टी कैंसिल कराने के लिए क्योंकि देखो फिर हमने क्या कहा कि अच्छा बताओ गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो आपसे पूछा उन्होंने है ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है क्या आपने क्या कहा हाँ ठीक है अगर यहाँ पर प्रेशर इतना होगा

एक अगर एक रूम में गैस आपकी क्या है डिस्पर्स है तो मॉलिक्यूल डिस्पर्स रहते हैं कोई ऑर्डर में नहीं है पर्टिकुलर फैशन में अरेंज नहीं होंगे लेकिन लिक्विड के केस में क्या आता है मॉलिक्यूल स्टिल एक ऑर्डर फॉलो करते हैं और सॉलिड में तो हाई ऑर्डरनेस होती है ठीक तो फिर इसका मतलब आप जब इधर जाओगे तो लिक्विड के केस में आपकी रैंडमनेस या फिर जिसको आप एंट्रॉपी बोलते हो वो डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब ये यार तुम्हारी क्या फाइनल है? है और यहां पर ये क्या है तुम्हारी इनिशियल है तो यहां तो फाइनल वाली आपकी कम आ गई इनिशियल से इसका मतलब जब आप डेल्टा एस फाइंड आउट करेंगे जो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल होता है यार वो तो आपकी क्या निकल कर आएगी नेगेटिव निकल कर आएगी ये तो गड़बड़ हो गई फिर से है ना ये तो क्या निकल कर आई नेगेटिव

ना ही बन सकता है बोला इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है क्या कि कैसे आपका स्पॉन्टेनिटी जो क्राइटेरिया है ना तो अकेले आप को मान सकते हैं और ना ही अकेले आप इंट्रोपी को मान सकते हैं जल्दी से बताओ इतनी बात आप लोगों को क्लियर है क्या कमान आई नीड सम क्विक फॉर दैट बोला यार फिर इसके बाद हम बाकी की बात करेंगे है ना तो फिर करें क्या अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा यार मैम बस ये बता दो अब करें क्या इसको भी नहीं मान सकते उसको भी नहीं मान सकते तो फिर आप ये बताइए कि हम कर क्या सकते हैं है ना कुछ हो भी सकता है या कुछ होगा ही नहीं <laughs> ये बताइए <coughs> और इसी के साथ जितने स्टूडेंट्स यहां पर मेरे साथ कनेक्टेड हैं क्या आप सब ने एकदम बढ़िया से मजेदार तरीके से, से सेशन को लाइक किया है कि नहीं किया मेरे को ये बता दो यार या फिर कंजूसी चल रही है हाँ वेरी गुड ओके तो देखो अब भी इसका मतलब पता है क्या यार जब इसको अकेले नहीं बोल सकते उसको भी अकेले नहीं बोल सकते तो हम ना दोनों को साथ में देखेंगे जिसको आप एंथलपी बोलते हो ये हमारा क्या है एनर्जी फैक्टर है उसके बाद आपने क्या पढ़ा एंट्रोपी फैक्टर यह आपका क्या है दिस इज योर एंट्रोपी फैक्टर अब वो कहता है स्पोंटेनिटी का क्राइटेरिया कहता है कि आप इन दोनों को मिलाकर देखिए ओवरऑल आपके पास डेल्टा जी आएगा इसको आप ओवरऑल क्राइटेरिया या फिर अल्टीमेट क्राइटेरिया ऑफ स्पोंटेनिटी मान सकते हो अकेले इसको भी नहीं अकेले इसको भी नहीं हम नहीं कह सकते कि डेल्टा एच अगर हमारा नेगेटिव होगा तो हमारा प्रोसेस स्पोंटेनियस है या हम नहीं कह सकते कि एंट्रोपी अगर पॉजिटिव होगी तो पक्का ही प्रोसेस स्पोंटेनियस है एक अकेला फैक्टर नहीं डिसाइड कर सकता है। हमें दोनों को साइमल्टेनियसली कंसिडर करना होगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपके पास गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था है ना अभी अभी हम ये पढ़कर आए तो देखो यार जब मेरा गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है सॉरी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है

तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो यहां पर ये ये जो entropy factor है, entropy factor जो है है वो आपका negative आएगा हालांकि हमारे according उसको positive आना चाहिए था अब हम enthalpy factor चेक करते हैं ये देखो enthalpy factor के साथ क्या होगा करें अगर मेरे को बताओ यार गैस से लिक्विड में जाना गैस आपका एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी रिलीज करेगा गैस क्या करेगा एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी रिलीज आप गैस से लिक्विड में जा रहे हो यार अगर लिक्विड से गैस में जाते तो लिक्विड को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती लेकिन जब आप गैस से लिक्विड में जाएंगे तो यहां पर आपकी एनर्जी रिलीज होगी इसका मतलब यहां कैसे वाला सीन होगा ये अगर आपका प्रोडक्ट है ये आपका रिएक्टेंट है तो यहां पर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट से कम आएगी तो इसका मतलब यहां पर जो आपकी एंथल्पी है दैट इज गोइंग टू टू बी माइनस या फिर नेगेटिव होने वाली है यानी कि आपका प्रोसेस जो है

इंथेल्पी फैक्टर इधर आपका डोमिनेट कर रहा और इसको स्पॉन्टेनियस बना रहा है ठीक है अब फॉर एग्जांपल यहीं पर अगर आप आइस और वाटर वाला सीन लो यार है ना तो आइस और वाटर में क्या सीन है ये देखो आइस से आप वाटर की तरफ जा रहे हो ओके मैम अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी भाई यहाँ आप पर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी एनर्जी तो एब्जॉर्ब होगी तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा यानी कि जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है इज हमारा एनर्जी फैक्टर फैक्टर या फिर जिसको आप बोल रहे हो वो यहाँ पर कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा क्योंकि एनर्जी दोगे मतलब प्रोसेस कैसा होगा एंडोथर्मिक तो यार ये तो इसको स्पॉन्टीनियस नहीं बना रहा है। उसके बाद दूसरा आप अगर एंट्रोपी चेक करते हो तो ये क्या है सॉलिड है और ये क्या है आपका लिक्विड है तो आपकी एंट्रोपी लिक्विड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आपका सॉलिड ठीक है और यहां पर आपके पास ये जो है आपकी फाइनल स्टेट है और ये एस फाइनल होती है तो यहां पर एंट्रोपी क्या निकल कर आएगी पॉजिटिव निकल कर आएगी है ना एंट्रोपी पॉजिटिव आई तो यार इधर जो हमारा ये एंट्रोपी वाला फैक्टर है वो क्या आ रहा है वो सही है वो कितना आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब यहां पर इस प्रोसेस को आईएस टू वाटर को स्पोंटेनियस बनाने वाला कौन सा फैक्टर है एंट्रोपी हुआ यानी कि एंट्रोपी इसको क्या स्पोंटेनियस बना रहा है यहां पर कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा होगा एंट्रोपी तो आप क्या कहोगे कि देखो अगर ये प्रोसेस स्पोंटेनियस है तो डेल्टा एच तो डिसाइड नहीं कर रहा है इसकी स्पोंटेनिटी को क्यों क्योंकि डेल्टा एच तो खुद ने क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है लेकिन एंट्रोपी का सही है एंट्रोपी आपकी पॉजिटिव है तो शायद इधर एंट्रोपी डोमिनेट कर रही है और उसको क्या बना दे रही है स्पॉन्टेनियस बना दे रही है बोलो यार इतनी बात समझ में आई है आप लोगों को जल्दी से बता देंगे मेरे को कि इतनी बात समझ में आई है क्या है ना बोलो यार अच्छा वैसे खबर खबर मिली आपको क्या सीन है खबर का क्या यार पता ही नहीं चल रहा क्या खबर है है ना आपको मिली कि नहीं मिली ये बता दो बस मेरे को <laughs> चैंबर तो हाँ, एक ए है ये वाला आपका चैम्बर बी है अब चैम्बर ए और बी आपका जो है उसके अंदर क्या सीन है पता है ये इसके अंदर अपनी गैस खुश है बेचारी ए गैस के मॉलिक्यूल्स है लाओ इनको मैं ग्रीन कलर कर देती हूँ है ना ये मॉलिक्यूल अपने में खुश है ग्रीन कलर के बहुत सारे मॉलिक्यूल इस तरीके से बहुत सारे बहुत सारे और उसके बाद आपके पास भाई इधर ये है बी बोले तो ऐसा वटेवर ठीक है अभी देखो क्या होगा अब यहां पर क्या सीन हो गया देखो इसके साथ क्या हुआ मैंने क्या किया इन दोनों चैंबर्स को इंसुलेट कर दिया इंसुलेट करने का मतलब यहां पर ये दोनों दोनों गैस के अंदर मैंने ऐसा एक वॉल लगा दिया कैसा बॉल यानी कि इनको मैंने इंसुलेट कर दिया एडियाबैटिक बॉल का क्या काम होता है हीट ना बाहर जाएगी ना ही हीट अंदर से बाहर बाहर से अंदर का कोई सीन नहीं हो पाएगा यानी कि कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हीट एक्सचेंज नहीं क्यू इज इक्वल टू जीरो वाला सीन हो जाएगा इधर है ना यहां पर मैंने क्या कर दिया इनको इस तरीके से इंसुलेट कर दिया तो अगर मैं इनको इस तरीके से इंसुलेट कर दूंगी यार मैंने क्या किया है व्हाट आई हैव डन हियर इज आई हैव इंसुलेटेड आई हैव क्रिएटेड इंसुलेट इंसुलेटेड वॉल्स आपने लगा दी इंसुलेटेड वॉल्स लगाने से क्या होता है इंसुलेटेड वॉल्स लगाने से क्या होता है भाई अरे यार क्या होता है बता दो मैम हम तो सब भूल गए हम ये नहीं बता सकते इंसुलेटेड वॉल लगाने से क्या होता है अरे आपका ना तो हीट का ट्रांसफर होगा मतलब की Q इज इक्वल टू जीरो पर एंथल्पी यार देखो एंथल्पी अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस था तो माइनस क्यू आ रहा था एंथल्पी अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस था तो ये एंडोथर्मिक के केस में था और ये एक्सोथर्मिक के केस में था अब इस वाले केस में तो Q इज इक्वल टू जीरो ही हो जाएगा मतलब मेरा जो एंथल्पी है वो तो जीरो हो गया एंथल्पी तो का तो सीन ही गया तो बेचारा जीरो ही हो चुका है वो ना तो एंथल्पी का नहीं है क्या कहा जाए तो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे और यहां पर आप देखोगे कि इस वाली गैस के मॉलिक्यूल्स गैस बी के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और यहां पर अगर आप देखेंगे तो गैस ए के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इस तरीके से ठीक है तो ये आपका क्या हो रहा है रैंडम

इसका मतलब यहां पर तो स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने वाला सिर्फ और सिर्फ एंट्रोपी एंट्रोपी के अलावा कुछ है ही नहीं है ना एंथेल्पी तो बेचारा इसमें तो सीन ही नहीं है एंथेल्पी का तो जीरो है वो तो तो यहां से आपको समझ में आया कि क्यों ना तो आप सिर्फ एंथेल्पी को बोल सकते हो ना कि एंथेल्पी नेगेटिव हो तो प्रोसेस नेगेटिव होगा ना आप ये बोल सकते हो कि एंट्रोपी पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो आपको दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा और कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि दोनों को कंसिडर मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव और नहीं इसका मतलब है कि कहीं कोई डोमिनेट कर रहा होगा और प्रोसेस को बना रहा होगा और कहीं कोई दूसरा डोमिनेट कर कर प्रोसेस को स्पॉन्टीनियस बना रहा है इसका मतलब आपका जो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी है वो दोनों फैक्टर्स आपस में मिलकर एक साथ उसको डिसाइड या उसको गवर्न करते हैं बोला यार इतनी बात क्लियर है क्या जल्दी से बता दो कमान इसका मेरे को फटाफट आंसर देंगे कि इतनी बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर है है ना थोड़े थम्स अप्स हो जाएं इसके बाद देखो नेक्स्ट बात हमारे पास क्या आती है फिर रैंडमनेस कम भी होगी ना सिस्टम विल ट्राई टू रीच इक्विलिब्रियम ये कैसी बात है दिव्यांशा दिव्यांशा पता है क्या कह मैम रैंडमनेस कम भी होगी ना सिस्टम हो विल ट्राई टू रीच इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या गैसेस प्रेशर इक्वल करना चाहेगा बस ठीक है गैसेस है प्रेशर इक्वल करना चाहेगा रैंडमनेस थोड़ी ना कम होगा और एक है. का मतलब ये नहीं है, कि जितना में हुआ, फिर में उसमें कम हो गया. अरे तो गैस ए के मॉलिक्यूल्स अपने ही चैम्बर में थे और गैस बी के मॉलिक्यूल्स अपने ही चैम्बर में थे आफ्टर द प्रोसेस जब इनकी मिक्सिंग हो गई तो मान लो कि तुमने इक्विलिब्रियम भी रीच हो गया और आपका इक्विलिब्रियम जब रीच हो जाएगा तभी

तो आपका ऑर्डरनेस तो बचा ही नहीं ऑर्डरनेस तो खत्म हो गया शुरुआत जहां से आपने की शुरुआत कहाँ है कॉर खटाने से पहले शुरुआत है ठीक है वहां पर ऑर्डरनेस है अपने अपने चैंबर में मॉलिक्यूल बैठे लेकिन जब आपने कॉर खटा दिया उसके बाद इकलीबिलियम आ जाए कुछ आ जाए उसके बाद ऑर्डर तो खत्म ही हो गया ठीक है तो ऑर्डर एक रिलेटिव टर्म होता है आप ये नहीं कह सकते कि प्रोसेस के दौरान बीच में बड़ा फिर कम हो गया नहीं डिसऑर्डर ने ऐसा हुआ है शुरुआत से आखिर में कंपेयर करो तो ओवरऑल क्या दिखेगा पहले ऑर्डर था सिस्टम और लास्ट में क्या है डिसऑर्डर है ठीक है आई होप आपको ये बात आपकी क्लियर हुई है बोलो यार क्लियर दिव्यांशा है ना ये दिव्यांशा ने लिखा था ठीक <laughs> है ओके तो इतनी बात आपको क्लियर है क्या बोलो भाई अब यहां पर दूसरी बात करते हैं कहते हैं एंट्रोपी के बारे में कुछ क्या होती है आपकी एंट्रोपी देखो एंट्रोपी इज अ थर्मोडायनेमिक फंक्शन एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है।, है ये भी कुछ होता है क्या अरे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हो आप पहली बार एंट्रोपी और भी कहीं पढ़ी है स्टेट ऑफ मैटर में इधर उधर नहीं इधर ही इसको पहली बार सुनते हैं को फिर भले इसका एप्लीकेशन किधर भी हो तो इट इज अ थर्मोडाइनेमिक फंक्शन यानी कि एक सिस्टम को थर्मोडाइनेमिकली समझने के लिए स्टडी करने के लिए ये एक प्रॉपर्टी हमें चाहिए होती है तो इसको हम थर्मोडायनेमिक फंक्शन बोलते हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शन वो सब है जो एक स्टेट को डिफाइन करने में यूज होता है सो इट इज अ थर्मोडानेमिक क्वांटिटी विच इज यूज टू मेजर द और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम एक सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है कितनी रैंडमनेस है उसको मेजर किया जाता है किसके हेल्प से एंट्रोपी के हेल्प से और एंट्रोपी जो आपका होता है वो एक आ, क्या बोलते हैं एस से पहले बात तो कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हो किससे रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एस से तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाँ लिखा ही हुआ है चलो फिर तो बहुत बढ़िया दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि एंट्रोपी का मतलब क्या होता है एक तरह से रैंडमनेस और बेसिकली

उसके अंदर लिक्विड है और आपके पास एक थर्ड कंटेनर है उसके अंदर क्या बताऊ सॉलिड बता दो अब आप लोग कंपेयर करोगे कि यहां पर इफ दिस दिस इज इज गैस मेरा लिक्विड एंड दिस इज मेरा सॉलिड तो अगर मैं इसकी एंट्रोपी को ये बोल रही हूं इसकी एंट्रोपी को ये और इसकी एंट्रोपी को ये तो मेरे को फटाफट बता दो वैसे हमने एक तरीके से देख ही लिया है कि, कि किसकी एंट्रोपी यहां पर ज्यादा होने वाली है बोलो यार वट विल बी द इंट्रॉप ऑफ वॉटर किसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी या किसकी एंट्रॉपी सबसे कम रहने वाली है बोलो जल्दी से बता देंगे हा गैस है वेरी गुड गैस की एंट्रॉपी ज्यादा होगी बहुत अच्छे है ना

तो बेसिकली जो ऑफ गैस होती होती है वो ज्यादा होती है वो ज़्यादा कैसे अरे भाई गैस के मॉलिक्यूल में ऑर्डर नहीं होता है क्या होता। पसंद है तो मैंने बता तो दिया इनडायरेक्टली इतने सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए पर कुछ ना कुछ इतने बहुत प्यारे क्यूट और महान बच्चे होते हैं जिनको एक एक चीज नोट्स में लिखी होनी ही चाहिए उन प्यारे स्टूडेंट्स के लिए यह चीज मैंने दोबारा से डिस्कस की है हालांकि इनडायरेक्टली मैं इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ ठीक है उसके बाद एंट्रॉपी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लें अगर क्योंकि फिर गिब्स एनर्जी कल की क्लास में करेंगे और इसी के साथ पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम लोग का तो एंट्रोपी के बारे में अगर और बात करें यार तो एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होता है हाँ दूसरी बात बिल्कुल जैसे आप मैंने तुम्हें बताया था सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते या फिर आप कैसे मेजर कर सकते हो कि एक सिस्टम में ज्यादा कितना डिसऑर्डरनेस है बताओ ये बात कभी मेजर हो सकती है कि मेरे पास ये गैस है अब इस गैस में कितना डिसऑर्डर है कैसे फाइंड आउट करोगे कोई तरीका नहीं है

उसके बाद ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है भाई अगर आपके पास एक चैंबर में कम गैस है है ना तो उसमें डिसऑर्डरनेस भी हो ग्यास कम होगा गैस कम गैस के मॉलिक्यूल कम तो डिसऑर्डरनेस कम क्लास में बच्चे ही कम है तो बच्चे फिर कितना डिसऑर्डरनेस करेंगे जितना भी करेंगे कम ही होगा अब एक क्लास में दस बच्चे हैं वो कितना डिसऑर्डर करेंगे कुछ नहीं कितना धमाल मचा सकते हैं और एक क्लास में पचास है पचास के पचास शरारती फुल तो फिर ज्यादा डिसऑर्डरनेस उधर ही होगा तो आपका अमाउंट पर डिपेंड करता है एंट्रोपी ठीक है द द डिसऑर्डरनेस विल डिपेंड अपॉन अमाउंट एंड इफ इट डज डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट देन यू हैव टू कॉल इट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसके बाद आपका जो डेल्टा होता है इज साइक्लिक प्रोसेस देखो साइक्लिक प्रोसेस आई मीन डेल्टा एस फॉर डेल्टा एस फॉर साइक्लिक प्रोसेस इज ऐसा क्यों क्योंकि देखो तुमने एक साइक्लिक प्रोसेस कराया भाई दूसरी स्लाइड पर बना दू तुमने एक साइक्लिक प्रोसेस ऐसे आप एक साइकिल कवर किए आप शुरू कहां से करा आपने ए से और फिर आप आ गए? के पास ही आ गए। मतलब आपका और आपका जो है, है।, तो है? है।, है? है? है। पाथ पर तो डिपेंड ही नहीं करता तो जब आप ए से शुरू कर ए पर ही आ गए तो आपका फाइनल एंट्रोपी भी कितना होगा एक्स ही होगा कि पूरे साइकिल के दौरान ड्यूरिंग प्रोसेस अगर आप डेल्टा एस कैलकुलेट करोगे फाइनल माइनस इनिशियल होगा

बोले यार इतनी बात समझ में आई है क्या क्योंकि फिर इसके बाद अब हम गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी हम लोग कल पढ़ सकते हैं है ना राइट है बोलो जी राइट है कह दो यस मैम थोड़ा जोश के साथ थोड़ा जोर से मतलब सारी एनर्जी आप लोग क्या क्लास ट्वेल्थ पढ़ने के लिए सेव कर रहे हो क्या मैम देखो आप न्यू ईयर से क्लास ट्वेल्थ पढ़ेंगे सारी एनर्जी बस उधर ही दिखाएंगी अब बहुत एनर्जी एनर्जी आपने बहुत जोश जोश करवा लिया हमारे से अब सारा जोश हमारा सेव होगा और अब सारा जोश दिखेगा क्लास ट्वेल्थ के साथ माल मचाएंगे हम फुल देख लेना आप बस ऐसा हो गया ऐसा हो रहा है क्या मैम कंफर्म आज छह बजे क्लास है ना हाँ जी अभी तक तो 100 परसेंट कन्फर्म है अभी देखो मैं भाग रही हूँ मेरी दूसरी क्लास है चार बजे नीट नोटबुक पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं Neat, अगर आपने मेरे साथ नहीं पढ़ाया, बहुत कितना मजा आता है मतलब मैं अगर तुम्हारी जगह होती और मेरे को ऐसे नोट से पढ़ने के लिए मिल जाता आ हा हा मतलब मैं तो पूरा दिन पढ़ना ही जाती फिर उसके बाद ठीक है तो अगर आप भी ऐसे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल हैंड रिटन नोट मतलब वो जो आई पैड नोट होते हैं जिनको हम बोलते हैं आईपैड वाले वैसे वाले नोट अगर आप चाहते हो तो आप मेरा सेशन अटेंड कर सकते हो नीट नोटबुक पर चार बजे होगा मोल कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चे मेरे साथ पढ़ ही चुके हैं मोस्ट प्रोबेबली आप लोग पढ़ चुके हो लेकिन किसी को रिवाइज करना है या फिर किसी का फिर से दिल कर रहा है या किसी ने पढ़ा ही नहीं है तो आप उधर आइए और चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ पढ़ते हैं उसको ठीक चलो यार बाय बाय आप मेरे साथ प्लस और आइकॉनिक पर भी जुड़ सकते हो बड़ा मजा आएगा क्योंकि हम एकदम सिस्टमैटिक वे में आपकी तैयारी के लिए जुड़ जाते हैं दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर है आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटोर्स मिलते हैं पर्सनली गाइड किया जाता है और आपके लाइव मेंटरिंग सेशन होते हैं आपकी कस्टमाइज स्टडी प्लान होता है जिसको आप फॉलो करते हैं और बस फिर तो मजा ही आ जाता है और अन अकेडमी ब्रांडेड नोट्स आपके घर तक चलकर आ जाते हैं हार्ड कॉपी फॉर्म में क्या करते हैं कोड यूज करते हैं एके लाइव इसलिए ताकि जितना फीस यार इधर लिखा हुआ है ना उतना हम पे नहीं करें हमें ऑटोमेटिक टेन परसेंट ऑफ मिल जाए और विद आपको ये डिस्काउंट ज्यादा भी हो जाता है ठीक है ये हमारे लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं तो इफ यू आर एन अर्ली नीट एस्परेंट तो आप ये वाले कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं क्योंकि अभी ज्यादा रीजनेबल भी है और जितना पहले आप पहले तैयारी शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली यू विल मेंटेन दैट अपर हैंड साथ ही साथ मन तो आपका करता है कि ऐसे आप हमारे साथ जुड़ जाएं बट यू फील फाइनेंशियली रिस्ट्रिक्टेड तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा लोन ऑप्शन हमारे वहां पर गिवन है उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो या फिर यहां पर ये यह जो स्लाइड में नंबर्स गिवन है मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल अन अकेडमी नीट पर दूंगी वहां पर भी पीडीएफ से चेक करना नंबर क्या है कॉल कर सकते हो उधर दस बजे से शाम सात बजे तक मंडे टू सैटरडे संडे ऑफ ठीक उसी के साथ साथ यू कैन ऑल्सो डाउट यट एन अकेडमी में बस बता दे कोई तो मजा आ जाता है तो हम बता देते हैं आपको बस आप डाउट पूछिए अच्छे से पूछिए एंड विल बी देर टू आंसर यू सो यूज दिस यू नो आई मीन बी बेनिफिटेड बाय दिस फीचर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा वहां पर भी आप पूछ सकते हो कोड लगाना ए के लाइव और पूछ डालना ठीक है तो आज ही ट्राई कर लो अगर आपने नहीं किया है तो थैंक यू वेरी मच मिलते हैं कल कल मिलेंगे थर्मो डायनेमिक्स uh, को फिनिश करेंगे टाटा बाय बाय टू थर्मो डायनिक्स एज वेल एस टू ट्वेंटी बाय बाय डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम टेलीग्राम चैनल से चैनलोलर एंड हिट द लाइक बटन थैंक